हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग नेशन में। आज हम लोग देखेंगे कि रैड मॉडल क्या होता है। रैड मींस रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो देखते हैं रैड मॉडल क्या होता है और इसके और कुछ खासियत देखेंगे। व्हाट इज रैड? फर्स्ट ऑफ ऑल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजी दैट यूजेस मिनिमम प्लानिंग इन फेवर ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। A prototype is a working model that is functionally equivalent to a component of the product. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो rapid application development है ये एक type का मतलब method है जिसके मदद से हम लोग बहुत ही जल्दी एक product बना सकते हैं और इसमें हमको कोई minimum इनको planning मतलब planning बहुत कम करनी पड़ती है इस type के model में। And first of all इसमें क्या होता है कि directly हमारे पास एक prototype आ जाता है और वो एक working model होता है। ठीक है, एक प्रोटोटाइप मतलब क्या हो गया कि एग्जाम्पल टाइप का हो गया, मतलब आपके पास एक प्रोडक्ट है बट वो फुल्ली वर्किंग नहीं है, बट हाँ वो वर्किंग है और उससे आप लोग उससे फीडबैक ले सकते हो कस्टमर से। तो इसमें ऐसा काम होता है कि प्रोटोटाइप बना दो फर्स्ट ऑफ ऑल और उस पर ही डेवलपमेंट करो। इन द रेड मॉडल द फंक्शनल मॉड्यूल्स आर डेवलप्ड इन पैरेलल एज प्रोटोटाइप्स एंड आर इंटीग्रेटेड टू मेक द कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर फास्टर प्रोडक्ट डिलीवरी। सिंस देयर इज नो डिटेल्ड प्री प्लानिंग इट मेक्स इट ईजियर टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस विद इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि रेड में क्या होता है कि एक प्रोटोटाइप बन जाता है, मतलब कि छोटे मोटे जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है उससे हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, एग्जाम्पल टाइप का बनाएंगे। एंड साथ ही साथ पैरेलल में हम लोग और भी डेवलपमेंट काम करेंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स बनाएंगे एंड उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे प्रोटोटाइप में, जिससे कि एट द एंड हमारे पास एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाए हमारे कस्टमर्स के लिए। तो इसमें ऐसा काम होता है। रैड प्रोजेक्ट्स फॉलो इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल एंड हैव स्मॉल टीम्स कंप्रेजिंग ऑफ डेवलपर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर आईटी रिसोर्सेज वर्किंग प्रोग्रेसिवली ऑन देयर कंपोनेंट और प्रोटोटाइप। तो इसमें वही बताया गया कि यहाँ पर इटरेटिव मॉडल के साथ साथ इंक्रीमेंटल मॉडल भी होता है और यहाँ पर बहुत छोटी मोटी टीम मतलब छोटी छोटी टीम होती है डेवलपर्स की और डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और दूसरे आईटी रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पर जो सब साथ में काम करते हैं। और यहाँ पर इंक्रीमेंटल और इटरेटिव मतलब इंक्रीमेंटल मतलब धीरे धीरे हम अपडेट्स यहाँ पर पहुँचाएंगे इस प्रोटोटाइप में, एंड इटरेटिव मतलब बार बार वो काम होगा। तो यहाँ पर उस तरीके से काम होता है कि पहले आप एक प्रोटोटाइप बना लो एंड देन उसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट लेते जाओ एंड उसको इंटीग्रेट करते जाओ उस रिक्वायरमेंट को अपने जो प्रोटोटाइप है उसमें, एंड एट द एंड आपके पास एक कंप्लीट प्रोडक्ट आ जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर दिस मॉडल टू बी सक्सेसफुल इज टू मेक श्योर दैट द प्रोटोटाइप्स डेवलप्ड आर रीयूजेबल। तो इसमें वही बोला गया कि एक प्रोटोटाइप हमें ऐसा बनाना है जो कि रीयूजेबल हो सके, यानी कि हम उसको इंटीग्रेट कर सके वहाँ पर डेटा या हमारे पास मॉड्यूल जो है वहाँ पर इंटीग्रेट कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोटोटाइप हमने बना दिया एंड उसके बाद हम उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं बनाना है प्रोटोटाइप हमको, ऐसा अच्छा बनाना है प्रोटोटाइप कि हम लोग उसमें इंटीग्रेशन एंड अपडेट कर सके अपने जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको। तो ये टोटल हो गया ओवरव्यू ऑफ रैड कि रैड होता क्या है और रैड मतलब क्या है कि एक प्रोटोटाइप है आपके पास एंड देन उसको आप धीरे धीरे अपडेट करते जाओ एंड देन फाइनल प्रोडक्ट बना दो। रैड मॉडल डिजाइन। रैड मॉडल डिस्ट्रीब्यूट्स द एनालिसिस डिजाइन बिल्ड एंड टेस्ट फेजेस इनटू अ सीरीज ऑफ शॉर्ट इटरेटिव डेवलपमेंट साइकल्स। फॉलोइंग आर द वेरियस फेजेस ऑफ द रैड मॉडल। सो पहला है बिजनेस मॉडलिंग, सेकेंड डेटा मॉडलिंग, थर्ड प्रोसेस मॉडलिंग, फोर्थ एप्लीकेशन जनरेशन एंड फिफ्थ इज टेस्टिंग एंड टर्नओवर। तो इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहले देखते हैं बिजनेस मॉडलिंग क्या होता है। द बिजनेस मॉडल फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज डिजाइंड इन टर्म ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस चैनल्स। ए कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस इज परफॉर्म टू फाइंड द वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस, हाउ इट कैन बी ऑब्टेंड, हाउ एंड व्हेन इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ड्राइविंग सक्सेसफुल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें यही बताया गया है स्टेप में कि यहाँ पर हम लोग कम्युनिकेट करेंगे हमारे कस्टमर के साथ एंड हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे, बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर लेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे और चेक करेंगे कि
ये ही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए जिससे कि हम एक प्रोटोटाइप बना सके और बाद में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कस्टमर से उससे हम इंटीग्रेट कर सके। तो इसमें हम लोग एक मॉडलिंग बनाएंगे बिजनेस सिनेरियो का, जो बिजनेस सिनेरियो लेंगे हम लोग कस्टमर से और एक मॉडल बनाएंगे, तो यहाँ पर वो काम हो रहा है। तो सेकंड में आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे डेटा मॉडलिंग। द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इन द बिजनेस मॉडलिंग फेज इज रिव्यूड एंड एनालाइज टू फॉर्म सेट्स ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स वाइटल फॉर द बिजनेस। द एट्रीब्यूट ऑफ ऑल डेटा सेट्स इज आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड। द रिलेशन बिटवीन दीज डेटा ऑब्जेक्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड एंड डिफाइंड इन डिटेल इन रेलिवेंस ऑफ द बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन लिया था बिजनेस मॉडलिंग फेज से, हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे कि एनालाइज करेंगे और उसको सेट्स ऑफ डेटा में हम लोग चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिजनेस के लिए वाइटल फॉर द बिजनेस। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो एट्रीब्यूट्स है, मतलब जो डेटा की जो मतलब कुछ कुछ खासियत है, उन सभी को हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, उनके रिलेशंस बनाएंगे एंड देन हम उसको चेक करेंगे कि कौन से रेलिवेंट है हमारे डेटा के लिए और बिजनेस मॉडल करने के लिए। तो यहाँ पर ये काम होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए तो हम लोग अभी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो गया हम लोग का बिजनेस मॉडलिंग। अब आएंगे हम लोग सेकंड स्टेप पे जो है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग भी हो गया, अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप पे प्रोसेस मॉडलिंग पे। तो प्रोसेस मॉडलिंग क्या होता है? द डेटा ऑब्जेक्ट सेट्स डिफाइंड इन द डेटा मॉडलिंग फेज आर कन्वर्टेड टू एस्टेब्लिश द बिजनेस इन्फॉर्मेशन फ्लो नीडेड टू अचीव स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव एज पर द बिजनेस मॉडल। The process model for any changes or enhancement to the data objects sets is defined in this phase. Process description for adding, deleting, retrieving or modifying a data objects are given. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस स्टेप में हम लोग डेटा ऑब्जेक्ट जो हमारे पास मिले थे हम लोग को पहले स्टेप से, अब उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे बिजनेस मॉडल बनाएंगे बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारे कस्टमर ने बोला गया है, उसके हिसाब से हम लोग मॉडल बनाएंगे। यहाँ पर वो तैयारी चालू हो जाएगी, प्रोसेस चालू हो जाएगा यहाँ पर उस चीज का। एप्लीकेशन जनरेशन। द एक्चुअल सिस्टम इज बिल्ड एंड कोडिंग इज डन बाई यूजिंग ऑटोमेशन टूल टू कन्वर्ट प्रोसेस एंड डेटा मॉडल्स इनटू एक्चुअल प्रोटोटाइप्स। तो ये स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने अभी तक इन्फॉर्मेशन गैदर किया है सारी चीज़ें, अब उससे हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे और जो एक्चुअल प्रोटोटाइप होता है, जो प्रोटोटाइप मतलब एग्जाम्पल हो गया कि मतलब कोई भी किसी चीज़ का प्रोटोटाइप मतलब ब्लू प्रिंट ऐसा कुछ भी होता है, तो उसको अब यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे उस चीज़ का जो कि हमने पहले स्टेप से जितने भी इन्फॉर्मेशन गैदर किया, अब यहाँ पर हमको उसका एप्लीकेशन बनाना है। टेस्टिंग एंड टर्न ओवर। द ओवरऑल टेस्टिंग टाइम इज रिड्यूस्ड इन द रेड मॉडल एज द प्रोटोटाइप्स आर इंडिपेंडेंटली टेस्टेड ड्यूरिंग एवरी इटरेशन। हाउएवर द डेटा फ्लो एंड द इंटरफेस बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स नीड्स टू बी थॉरली टेस्टेड विद कंप्लीट टेस्ट कवरेज। सिंस मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनी मेजर इशूज। तो यहाँ पर वो बताया गया कि हम लोग टेस्टिंग करेंगे जो भी हमने एप्लीकेशन बनाया, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर ऐसा है कि जो रेड मॉडल में टेस्टिंग का टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बिल्ड में काम करते हैं। पहले एक बिल्ड हो गया, दूसरा बिल्ड हो गया, तीसरा बिल्ड हो गया, तो वो सारे बिल्ड आपस में पहले से टेस्टिंग किए हुए होते ही है। तो इसलिए जो मतलब पहले से टेस्टिंग किया हुआ आता है तो लाइक हमें पूरा सिस्टम एक बार में टेस्टिंग नहीं करना है, तो मतलब इसमें टेस्टिंग टाइम कम हो जाता है और बहुत सही है। मतलब हिसाब से अगर आपको जल्दी जल्दी आपका जो प्रोडक्ट है उसको आपको डिलीवर करना है तो यहाँ पर आपकी टाइम सेविंग हो रही है, तो एक बहुत ही एक एडवांटेज वाली चीज़ है यहाँ पर रेड मॉडल में। तो चलिए देखते हैं एक ओवरव्यू लास्ट में कि क्या होता है रेड मॉडल। तो यहाँ पर देखिए ये एक एक बिल्ड ये हो गया, एक बी ए बिल्ड हो गया और एक ये बिल्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। तो ये एक प्रोटोटाइप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ये स्टेप होगा बिजनेस मॉडलिंग, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके डेटा मॉडलिंग, उसके बाद डेटा मतलब गैदर करेंगे, प्रोसेस मॉडलिंग मतलब प्रोसेस देखेंगे कैसे हम लोग सब काम करेंगे, सब प्रोसेस बनाएंगे यहाँ पर, देन एप्लीकेशन बनाएंगे एंड देन टेस्टिंग करेंगे। और ये हमारा हो गया पूरा एक प्रोटोटाइप, ठीक है, ये पूरा सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद फिर से हम लोग सेम काम करेंगे दूसरे रिक्वायरमेंट के साथ। तो यहाँ पर डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन बनाएंगे एंड टेस्टिंग करेंगे, सेम यहाँ पर भी होने वाला है। उसके बाद हम जब सारे प्रोटोटाइप को कंप्लीट करेंगे तब जाके हमारा होगा एप्लीकेशन, पूरा एक एप्लीकेशन बनेगा, तो इसको बोलते हैं रेड मॉडल। तो यहाँ पर देखो एक प्रोटोटाइप हमारा बन गया, ये चला गया टेस्टिंग में, ठीक है, ये चला गया मतलब कस्टमर के इन्वॉल्वमेंट में चला गया। उसके बाद फिर से हम लोग और एक प्रोटोटाइप बनाएंगे और इसमें इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो अब ये दोनों मिलके एक और सिस्टम बन गया। उसके बाद थर्ड प्रोटोटाइप डालेंगे यहाँ पर, थर्ड इसके अंदर जाएगा। तो ऐसे करके ये काम होता है रेड में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेड मॉडल वर्सेस ट्रेडिशनल एसटीएलसी दोनों में क्या डिफरेंस है और की पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। तो बने रहिए इंजीनियरिंग नेशन के साथ। थैंक यू।